अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अंग्रेज़ी की कहावत है कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। यानी हर सेंट से मुराद कह लें, साधु संत कह लें, या एक बहुत ही नेक आदमी कह लें, हर ऐसे शख्स का जो अब आके नेक हो गया है, उसका कोई ना कोई माजी ज़रूर होगा, और हर ऐसे गुनाहगार का जो अभी गुनाह कर रहा है, उसका भी मुस्तकबिल है। यानी जो आज नेक है, जो आज साधु संत बना हुआ है, जो आज मज़हब पे अमल कर रहा है या नेक हो गया है, उसने भी माजी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होता है कि जिसकी उसने तौबा की होती है। और जब कहते हैं कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर, तो हर गुनहगार जो आज गुनाह कर रहा है, ये मत समझो कि वो आगे आइंदा भी गुनाह करता रहेगा। तौबा का दरवाज़ा खुला है, उसका भी मुस्तकबिल है जिसमें वो गुनाह करना तर्क कर सकता है। सेम गोज फॉर दिस पर्सनैलिटी जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। इस वक्त सोशल मीडिया पे खबरें राउंड कर रही हैं बहुत ज़्यादा, वो ये कि मियाँ खलीफा। अब मैं अगर पाकिस्तानियों को ये बताऊँ कि मियाँ खलीफा कौन है, तो फिर ये बड़ी गलत बात होगी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान, गूगल ने सर्वे किया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फहश फिल्में या पॉर्न फिल्में जो होती हैं, PORN, वो कहाँ देखी जाती हैं। तो पता चला जनाब, गूगल ने जब सर्वे किया, गूगल ने अपना डाटा निकाला, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा गूगल पे जो फहश फिल्मों की सर्चिंग होती है, वो पाकिस्तान में होती है। तो मियाँ खलीफा जो फहश फिल्मों की बहुत ही शानदार कह लें या बहुत ही मशहूर कह लें एक्ट्रेस रह चुकी हुई हैं, पाकिस्तानियों को उसका पता है, तो मुझे मियाँ खलीफा का तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट, जो कॉन्ट्रोवर्सी इस वक्त सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर चल रही है, वो ये कि मियाँ खलीफा ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में लेक्चर दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का किसको नहीं पता, एवरीवन नोज़, लाइक पीपल दे आर स्टूडेंट्स हु आर सो ईगर टू गो टू ऑक्सफोर्ड। मैं भी जाना चाहता था पर एडमिशन नहीं हुआ। बट द थिंग इज़ के ऑक्सफोर्ड यूनियन का खिताब, ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, मैं इसको समझाने बैठ जाऊँगा लंबा हो जाएगा। अब यूँ कह लें कि बड़ा प्रेस्टिजियस क्लब है एक ऑक्सफोर्ड का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ऑक्सफोर्ड यूनियन, वहाँ पे ख़िताब करना, वहाँ बड़े बड़े दिमाग आए होते हैं, बड़े बड़े कमाल के लोग बैठ के आपका लेक्चर सुन रहे होते हैं, तो आप लेक्चर देते हैं वहाँ पे। तो ऑक्सफोर्ड यूनियन में लेक्चर देना बहुत बड़ी बात है। मियाँ खलीफा का लेक्चर हुआ है और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान मच गया है कि फहश फिल्मों की एक्ट्रेस और लेक्चर दे रही है वहाँ पर जाके, और ये क्या है, ये क्यों है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मियाँ खलीफा ने ये जो फहश फिल्मों की इंडस्ट्री है, इसको तर्क कर दिया। शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट एनी मोर। इट्स बिन 3 years दैट शी हैज़ लेफ्ट द एडल्ट इंडस्ट्री। सो मूविंग ऑन टू दैट, मियाँ खलीफा ने अभी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम कर रही हैं, कोई रफाई काम कर रही हैं। शी इज़ अ लेबनीज फ्राम बाय बर्थ, ये लबनान से इनका ताल्लुक़ है। इनके वालिद फिर उठ के अमरीका आ गए थे, दैन वहाँ से जो है, शी वॉज 17 व्हेन शी स्टार्टेड ऑफ विद दिस होल थिंग ऑफ वर्किंग इन एन एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री। और इनका अपना इंटरव्यू था कि रस्ते में जा रही थी, किसी ने इनसे पूछा कि तुम मॉडलिंग करोगी, तो इन्होंने कहा हाँ मैं करूँगी। फिर इनको बंदा लेके गया अपने स्टूडियो, वो मॉडलिंग ज़रा फहश किस्म की मॉडलिंग थी, कि बस फाइन ओके ठीक है मैं कर लूँगी, एंड देन दिस इज़ हाउ शी स्टेप्ड इनटू दिस इंडस्ट्री। वो एक इंटरव्यू इनके पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, आप जाकर देख सकते हैं। बट इस वक्त जो कॉन्ट्रोवर्सी है कि क्या मियाँ खलीफा से इतने प्रेस्टिजियस क्लब को, ऑक्सफोर्ड यूनियन को खिताब करवाना चाहिए था। खिताब में था क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, ये एक एडल्ट फिल्म स्टार रह चुकी हुई है, इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी हुई है, तो इन्होंने लेक्चर में जाके ये बताया कि आप एस्पिरेशन दी इन्होंने कि आप किस तरह से प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ किस तरह सेट कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, और कहीं ना कहीं मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है वो उन्होंने शेयर किए। और ये भी बताया कि अगर आप, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू लैंड इन टू दिस इंडस्ट्री, दिस इज़ हाउ यू कैन अवॉइड दैट। आप यानी कि अगर आप नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसा काम करें, या इसके नुकसानात क्या हैं, इस इंडस्ट्री के, फहश फिल्मों की जो इंडस्ट्री है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इस पे उन्होंने बात की। सो एक शख्स चूँकि तर्क कर चुका है एक काम को, और वो अब दुनिया को बता रहा है कि ये काम ना करना। जॉर्डन बेलफोर्ट का नाम अगर आपने सुना हो, एक बड़ी मशहूर मूवी आई थी लियोनार्डो डिकैप्रियो की, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, अगर आपने देखा, लाजमी देखिएगा, लाजमी देखिएगा वो मूवी। उसमें एक शख्स था जॉर्डन बेलफोर्ट, उसका किरदार लियोनार्डो डिकैप्रियो ने निभाया था। तो जॉर्डन बेलफोर्ट क्या था, वो स्टॉक ब्रोकर था, वॉल स्ट्रीट स्टॉक ब्रोकर था, लेकिन वो दो नमलियाँ बहुत करता था, बहुत पैसा छापा उसने। फिर आखिर वो गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार होने के बाद सज़ा उसको हो गई, फिर उसने इस काम से तौबा कर ली। अब वो दुनिया भर में लेक्चर देता है कि कैसे आपने इस काम से बचना है। सो मियाँ खलीफा ने अगर ये काम किया है और सारी ज़िंदगी यही किया है, लेकिन अब आके, अभी शी इज़ टू यंग, शी इज़ नॉट दैट ओल्ड, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने काम शुरू कर दिया था, अब आके उन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया, तर्क कर दिया, अपने उरूज पर जाके छोड़ दिया, और अब लोगों को बता रही है कि ये काम मत करो, तो मेरे ख्याल इसमें कुछ गलत नहीं है। अगेन, जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा था, एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट
एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर. तो हर शख्स का कोई ना कोई माजी होता है, और जिसने आज गुनाह कर रहा है कल को हो सकता है वही शख्स मुत्तकी और परहेजगार हो जाए. यू नेवर नो, सो यू ऑलवेज हैव टू गिव हिम और हर अ चांस. सो ये थी अब तक की वीडियो. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें. मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद.